हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वॉशिंग मशीन को हम लोग गंदे कपड़ों को वॉश करने यानी साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर आपने नोटिस किया होगा कि यूज़ करने के 4 से 5 महीने बाद वॉशिंग मशीन में कपड़े उतने साफ नहीं धुलते हैं जितने पहले धुलते थे। अगर आपके साथ भी यही हो रहा है तो समझ जाइए कि आपकी वॉशिंग मशीन को भी अब वॉश यानी सफाई की ज़रूरत है। यूजुअली वॉशिंग मशीन यूज़ करने के बाद डिटर्जेंट पाउडर के बहुत ही स्मॉल रेसिड्यू वॉशिंग मशीन के ड्रम में और रबर की अंदर वाले पार्ट पर कलेक्ट होते रहते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये यहां पाउडर डिपॉजिट हो गया है जो आसानी से क्लीन नहीं हो रहा है। अगर आप एक अच्छा वॉशिंग पाउडर या लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ नहीं करते हैं तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा जल्दी आ सकती है। आजकल पानी भी अधिकतर जगह हार्ड वाटर ज़्यादा आ रहा है। वाटर में डिजॉल्व मिनरल्स, डिटर्जेंट रेसिड्यू वॉशिंग मशीन के ड्रम में धीरे धीरे कलेक्ट होते हैं, जिसको क्लीन करने के लिए आपको वॉशिंग मशीन का टब क्लीन करते रहना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एवरी मंथ टब क्लीन रेकमेंड करती है, पर आप अगर वॉशिंग मशीन ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं तो 3 से 4 महीने पर भी आप टब क्लीन कर सकते हैं। टब क्लीन करने के लिए IFB, सैमसंग, LG, बॉस के सैशे मार्केट में अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई भी परचेस कर सकते हैं। टब क्लीन करने का तरीका आसान है। आजकल की अधिकतर वॉशिंग मशीन में टब क्लीन का फंक्शन आता है। यहाँ LG की वॉशिंग मशीन में इंटेंसिव और क्रीज केयर को एक साथ 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है तो ये टब क्लीन मोड पर चली जाती है। टब क्लीन में मशीन लंबी साइकिल में चली जाती है और वार्म वाटर की साइकिल यूज़ करती है। अगर आपकी मशीन में टब क्लीनिंग का मोड नहीं दिया गया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सैशे को डिटर्जेंट ट्रे में डाल दें और वॉशिंग मशीन में सबसे लंबी साइकिल सेट कर दें। अगर हॉट वाटर का ऑप्शन हो तो हॉट वाटर ऑप्शन को चूज़ कर लें। अब पूरी साइकिल चलने दें और जब पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाए तो इसके ड्रम को 20 से 25 मिनट के लिए खुला छोड़ दें, जिससे इसका ड्रम ड्राई हो जाए और मॉइस्चर निकल जाए। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये जो वाइट मिनरल डिपॉजिट हो गए थे ये पूरी तरह से क्लीन हो गए हैं। अगर आप कुछ कुछ समय पर टब क्लीन करते रहेंगे तो मशीन और कपड़े दोनों ही साफ रहते हैं, मशीन की लाइफ भी बढ़ जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही टाइम पे मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।